नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मुद्दा विहीन कांग्रेस अभी तक किसानों के आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में लगी थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन का जो हाल हुआ उसके बाद कांग्रेस को पता चल गया कि अब किसानों पर राजनीति कर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस अब देश में बढ़ते पेट्रोल के दामों और महंगाई को मुद्दा बनाकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि अगर महंगाई को मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरेंगे तो उनको जनता का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस नेता आधे दिन के बंद आह्वान के साथ सड़कों पर उतरे, जिसके चलते उज्जैन में भी सड़कों पर कांग्रेसियों की भीड़ देखने को मिली। इनका कहना था कि महंगाई के विरोध में शहर के लोग आधे दिन तक अपनी दुकानें बंद रखे, लेकिन लोगों ने कांग्रेसियों की एक न सुनी और रोज की तरह अपनी दुकान खोलकर बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि दूसरों की दुकान बंद करा कांग्रेसी अपनी दुकान खोलने के फिराक में हैं। कांग्रेसियों ने जब देखा कि आधे दिन के बंद का आह्वान के बाद भी दुकानें खुली हैं तो वो दुकान मालिकों पर भड़क उठे और बहस करने पर उतर आए। कांग्रेसी कार्यकर्ता दुकानदारों से जबरदस्ती करने लगे, जिसके चलते उज्जैन में कांग्रेसियों और दुकानदारों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान कांग्रेसी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इतना नीचे गिर गए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जब दुकान मालिकों ने दुकानें बंद करने से मना कर दिया तो कांग्रेसी उनको पैसे देकर दुकान बंद कराने लगे। इनका कहना था कि अगर तुम्हारा दुकान बंद करने से घाटा हो रहा है तो हमसे पैसे ले लो, लेकिन दुकान तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा प्रदर्शन फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन दुकानदार कांग्रेसियों के बहकावे में जरा भी नहीं आए और भीड़ को दुकान से चलता कर दिया। गलीमत रही कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, नहीं तो सभी दुकानदार मिलकर कांग्रेसियों की गुंडागर्दी पर उन पर लठ बरसा देते तो क्या होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत बंद के दौरान भी यही कांग्रेसी शहर में जबरदस्ती दुकानों को बंद करा रहे थे। तभी सिंधिया समर्थक एक दुकान मालिक ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी बरसाई थी। कांग्रेसियों का कहना है कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि आम जनता के लिए लड़ाई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस की इस लड़ाई में आम जनता उसके साथ खड़ी ही नहीं है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ राजनीतिक है। सोचिए, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो जबरदस्ती की है उससे साफ हो गया है कि अब जनता कांग्रेस के साथ रही ही नहीं। हालात तो ये हो गए हैं कि जब राहुल गांधी राजस्थान में रैली करने जाते हैं तो मस्जिदों से फतवा जारी किया जाता है कि अगर राहुल बाबा की रैली में शामिल नहीं हुए, भीड़ इकट्ठा नहीं हुई तो समझो खैर नहीं। लेकिन आज उज्जैन की जनता ने कांग्रेसियों के प्रदर्शन में शामिल ना होकर जो संदेश दिया है उससे साफ हो गया है कि जनता को महंगाई से समस्या हो सकती है, लेकिन महंगाई के नाम पर वो किसी राजनीतिक दल का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेसियों को भी ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर है, नहीं तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर जिस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं उससे अगर किसी को नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी, और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।